बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग के बारे में बताया था। अब हम क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कर ली, आज इंशाल्लाह मीडियम और फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे। ठीक है, बेसिक बैकग्राउंड जो मैंने पहले लेक्चर दिया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद मीडियम की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन लाइन में जब भी हम बेस बनाते हैं, हम कहते हैं आर, एल, सी और जी, यानी कि चार कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन हम करते हैं। जी को प्रैक्टिकली तौर पे हम इग्नोर करते हैं, जबकि सी जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे डिस्टेंस थोड़ा होता है तो कैपेसिटेंस वाला इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो वो इस वजह से हम इग्नोर करते हैं। डिस्टेंस क्यों थोड़ा होता है? क्योंकि वोल्टेज लेवल कम होता है। जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो साइज़ ऑफ वोल्टेज यानी कि वोल्टेज लेवल हम कम करते हैं। उस वोल्टेज लेवल कम की वजह से वो लीकेज करंट और लीकेज वोल्टेज हमारे पास नहीं होता, इस वजह से हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को भी इग्नोर करते हैं, जबकि आर और एल को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल बनाते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो हमारे पास आर और एल हमारे पास बनता है, और उसके साथ हमारे पास फिर सेंडिंग एंड वाली साइड पर वोल्टेज आ गया और रिसीविंग एंड वाली साइड पर वोल्टेज आ गया। ठीक है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को जो हम मार्क करते हैं, हम कहते हैं कि 50 माइल्स या 80 किलोमीटर्स तक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बनती है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो करंट है वो सेम रहता है, क्योंकि कोई पैरेलल सर्किट इसके साथ है ही नहीं, तो सेम करंट जाएगा। जबकि सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसमें सीरीज कंपोनेंट की वजह से, आर और एल की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। वो आर और एल की वजह से वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हम कहते हैं जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस आई इंटू एक्स एल और एक्स एक्स एल और प्लस आर, उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसे हम काउंट करें। ठीक है, इसी तरह हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर को काउंट करते हुए हम पी यानी कि एक्टिव पावर जिसमें लॉसेज जो है वो आई स्क्वेयर आर की वजह से हो रहे हैं, और एक्टिव पावर जिसमें लॉसेज जो है आई स्क्वेयर एक्स एल की वजह से हो रहे हैं, उनको हम देख रहे होते हैं। क्योंकि 3 फेज है तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना। इसी तरह वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास आ गई, और इसी तरह हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। ये हम डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बता सकूँ। लोड अगर मेरे पास इंडक्टिव होगा तो जो आई आर आएगा वो लैगिंग वाली फॉर्मेशन में चलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास जो है वी एस और वी आर बनेंगे। लोड अगर कैपेसिटिव होगा तो जो आई आर बनेगा वो लीडिंग के क्रॉस बनेगा, और लीडिंग के क्रॉस ही उसे मैयर करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास 2 किस्म के सिनेरियोज बनते हैं। अगर आप इसमें देखो तो ये थीटा एस है, यानी कि जो हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान, सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट के दरमियान में डिफरेंस थीटा एस है, और थीटा आर है सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के दरमियान में जो डिफरेंस है वो थीटा आर है, जबकि सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज के दरमियान में जो डिफरेंस है वो डेल्टा है, सही है। उनकी बेस पे हम डेल्टा को मेजर करते हैं, और डेल्टा बेसिकली क्या होता है, टैन इनवर्स जो है आपके पास रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट, वो हम सॉरी इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास डेल्टा आ जाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास हम शॉर्ट ट्रांसमिशन हो, मीडियम हो या लॉन्ग हो, हम एक्स जो है हम ए बी सी डी पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। तो ए बी सी डी पैरामीटर में निकालने के लिए जो मैकेनिज्म क्या है कि हम इनपुट वाली साइड पे वी एस और आई एस को रखते हैं, और आउटपुट वाली साइड पे वी आर और आई आर रखते हैं। तो वी एस की एक इक्वेशन बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी आर आई आर, और इसी तरह आई एस की इक्वेशन बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी आर आई आर। तो वी एस की इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल सी है, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड, सही है ना। तो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इम्पिडेंस, तो वो हमारे पास आ जाती है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारे पास आ गया है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि जो वी आर के साथ कॉफिशेंट है वो 1 है, और वी आई आर के साथ कॉफिशेंट क्या है वो जेड है, तो ए और बी हमारे पास निकल आते हैं। इसी तरह सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट, इसका मतलब जो कॉफिशेंट रिसीविंग एंड वोल्टेज पे है वो बेसिकली 0 है। तो 0 का मतलब क्या हुआ, जो सी है वो हमारे पास 0 हो गया, और आई आर हमारे पास उसके साथ कॉन्स्टेंट आ गया 1। तो ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया जेड, सी क्या हो गया 0, और डी क्या हो गया 1। तो इसकी फॉर्मेशन ये बन जाती है हमारे पास, सही है ना। तो ये फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वी एस इज इक्वल टू 1 जेड 0 1 वी आर,
आईआर, और अगर मैं उसको इनवर्स वाली फॉर्मेशन में वीआर निकालूं तो वीआर क्या होगा, 1z01 इनवर्स, और इनवर्स को निकाले तो क्या होता है, इसका मॉड, इसका मॉड, इसका बोले मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड इसका क्या बनेगा, 1 बनेगा, और इसका जो है क्या नाम है, इसका एडजॉइंट लें तो इसकी क्या होगी, इन दोनों की पोजीशन बदलेगी और इन दोनों का साइन बदलेगा, तो पोजीशन 1 1 ही है तो पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन फ़र्क पड़ा तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास आ गई, एफिशिएंसी इसी तरह हमारे पास आउटपुट पावर और इनपुट पावर है क्योंकि करंट सेम है तो करंट कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर डिवाइड बाई वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, वो रिसीविंग एंड का हो जाएगा, वो सेंडिंग एंड का हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम एफिशिएंसी निकाल, सही है ना। तो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास आ गई एफिशिएंसी, अगर मैं पावर की फॉर्मेशन में लिखूँ और लॉसेज की फॉर्मेशन लिखूँ तो आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेज, तो आउटपुट प्लस लॉसेज सिंगल फेज में 2 I² R होता है और 3 फेज में 3 I² R होता है, तो ये हमारे पास लॉसेज आ जाते हैं। एनीवे उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो आपको डिटेल में करवाए भी थे, और फिर उसके बाद ये म्यूचुअल इंपेडेंस वगैरह आ जाती है हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये एग्जांपल्स के साथ हमारी क्लियर हो जाती है। अब आ गई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कंपेयर किया जाए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि डिस्टेंस को थोड़ा कहते थे, हम कहते थे 80 माइल्स है, 80 माइल्स के अकॉर्डिंगली हम कहते थे कि कैपेसिटेंस जो कैलकुलेट होती है वो किलो ओम से कैलकुलेट होती है, जबकि आर और सी, आर और एल जो कैलकुलेट होते हैं वो ओम्स में कैलकुलेट होते हैं, तो इस वजह से हम सी को इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं सी उसके लिए इन्फिनिटी अपीयर होगी, तो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम इन चीज़ों की बेस पे हम ये कह देते हैं कि हमारे पास आर और एल का सर्किट बनेगा, जबकि हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम कहते हैं क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ गया, अगर आप डिस्टेंस वाइज देखो तो 150 माइल्स या 250 किलोमीटर बन जाता है, ये अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है। अब इस डिस्टेंस की बेस को देखा जाए तो हमारे पास इस डिस्टेंस पे हम जो वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब जब कैपेसिटेंस का इम्पैक्ट पड़ता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, कि या एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हमारा सर्किट बनता है वो हम कह दें कि भाई पाई सर्किट बन गया, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनती है, जो हमारा सर्किट बनता है वो हमारे पास टी सर्किट बन जाता है, टी सर्किट का मतलब सेंटर में कैपेसिटेंस लगेगी और राइट और लेफ्ट पे आर एल लग जाएगा, पाई सर्किट का मतलब राइट और लेफ्ट पे कैपेसिटेंस लग जाएगी और सेंटर में आर एल लग जाएगा, सही है, तो ये टी और पाई सर्किट हमारे पास बन जाता है, ये आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे देखें अगर मैं टी सर्किट को बनाता हूँ तो ये हमारे पास आर और एक्स आ गई एक साइड पे और आर और एक्स दूसरी साइड पे आ गई, और आप एक चीज़ को नोटिस करें कि हाफ है आर ओवर टू एक्स, एक्स वाई ओवर टू, इसे आर ओवर टू और एक्स एक्स एल ओवर टू, यानी कि वो हमारे पास हाफ हाफ की फॉर्मेशन में आ जाएगी, जबकि दरमियान में जो कैपेसिटेंस है वो एक सिंगल क्वांटिटी की फॉर्मेशन में सी या जी की फॉर्मेशन में आ जाएगी, तो हम लिखेंगे जेड ओवर टू यानी कि जेड ओवर टू और इधर वाई आ गया, ये टी की फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है, टी टी ट्रांसमिशन लाइन बन जाती है, जबकि पाई वाली फॉर्मेशन में देखें तो अब हम आर एल को कांस्टेंट लेंगे, आर और एल जो है वो एक ही है, आर प्लस डी एक्स एल जिस तरह हम ले रहे हैं, जबकि कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस है वो हाफ ऑफ हो गए, ठीक है, सी ओवर टू और जी ओवर टू, इस तरह सी ओवर टू और जी ओवर टू हाफ ऑफ इधर आ रही, तो ये हमारे पास दो सर्किट्स बन जाते हैं, एक सर्किट को हम कहते हैं टी सर्किट और एक सर्किट को कहते हैं पाई सर्किट, सही है, तो हम जब भी मॉडल बनाते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का तो हमारी मर्ज़ी है कि हम उसे टी सर्किट की फॉर्मेशन में सॉल्व करें या पाई सर्किट की फॉर्मेशन में सॉल्व करें। टी सर्किट में एडवांटेज क्या मिलता है कि हमारे पास कैपेसिटेंस एक ही रहती है जबकि आर एल डिवाइड हो जाती है, जबकि पाई सर्किट में क्या एडवांटेज मिलता है कि हमारे पास आर एल एक ही रहती है, कैपेसिटेंस डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारे पास अपनी अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी थोड़ी फॉर्मेशन इसकी बदलेगी, ठीक है। तो अब आप देखो तो यहाँ पे हमें इसके फॉर्मूला लगाना है कि हमने इसको स्लो सॉल्व करना है ए बी सी डी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली, यानी कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट मैकेनिज्म बनाना है, तो हमारे पास जो मैकेनिज्म बनेगा वो ए बी सी डी की फॉर्मेशन में बनेगा, अगर मैं इसको फिर वही ब्लैक बॉक्स वाली फॉर्मेशन में लिखूँ तो यहाँ पे 2 इनपुट 2 इनपुट आ गई यहाँ पे और 2 आउटपुट आ गई यहाँ पे, एक आउटपुट को हम कहते हैं भाई ये वी आर है, सही है ना, और दूसरे इनपुट को कहते हैं ये आई आर है, ठीक है, और सेंडिंग एंड सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये यहाँ पे वी एस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी वी एस हो जाएगा, ठीक है,
और दूसरे एंड पे ये हमारे पास वी आर हो जाएगा, और दूसरा ये हमारे पास आई आर हो जाएगा। सही है। तो ये क्या हुआ, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, इसी तरह सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो हम क्या कहेंगे, इनपुट वाली साइड पे सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, आउटपुट वाली साइड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट, और इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पैरामीटर क्या है, ए बी सी डी, जिनको हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन बनाएं तो वी एस क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर, और आई एस क्या होगा, सी इंटू वी आर और डी इंटू आई आर। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बन जाए। सही है ना। अब हमने ए बी सी डी पैरामीटर्स को देख रहे हैं कि ए बी सी डी पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए जाए, ताकि हम इनमें वैल्यूज डाल के हम अपना मॉडल को कंप्लीट करें। सही है ना। तो यहाँ में अब देखो तुम्हारे पास पावर की कितने, इनपुट वोल्टेज कितना है, वी एस इनपुट डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री, और आउटपुट वोल्टेज कितना है, वी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री। जो हम मॉडल को देख रहे हैं वो कौन सा मॉडल है, हम जिस मॉडल को देख रहे हैं वो क्या है, टी मॉडल है। अच्छा, इसमें क्या है, आर बाई टू एक्स बाई टू, इसी तरह आर बाई टू एक्स बाई टू, और दरमियान में क्या है, जे एक्स सी, और जी को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म बन जाता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन टी मॉडल के लिए। ठीक है। अगर मैं इसके वोल्टेज को देखूं तो ये सेंटर में वोल्टेज जो बन रहा है इसे क्या कह रहे हैं हम, वी मिड। वी मिड क्या है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है इस वोल्टेज के साथ, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो वोल्टेज आएगा, ये वाला वोल्टेज जो आएगा वही वोल्टेज इस इन तीनों के अंदर ड्रॉप होगा। सही है। तो इन तीनों के अंदर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, यानी कि जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपके पास आ रहा है प्लस अगर मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूँ, इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूँ, तो मेरे पास जो वोल्टेज आएगा वो टोटल वोल्टेज वी मिड हो जाएगा। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू आई आर जेड डिवाइडेड बाई टू। सही है। ये हमारे पास रिसीव मिड पॉइंट का वोल्टेज आ रहा है। सही है। तो ये मिड पॉइंट के वोल्टेज में अब हम करंट को देखें तो करंट जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस शंट रेजिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। तो शंट रेजिस्टेंस से जो करंट ट्रैवल कर रहा है वो क्या होगा कि भाई मिड पॉइंट वोल्टेज और इसकी जो हमारे पास एडमिटेंस आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास करंट आ जाता है। मिड पॉइंट वोल्टेज क्या था, वो ये वाला था। अगर मैं मिड पॉइंट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मिड पॉइंट वोल्टेज इंटू वाई, और इसी तरह आई इंटू जेड बाई टू इंटू वाई, ये हमारे पास कंपोजिशन बन जाती है। सही है ना। ये हमारे पास बन गई आई शंट। सही है। आई शंट बन गई। आई शंट क्या है कि जो सेंडिंग एंड करंट आ रहा है, जो सेंडिंग एंड करंट आ रहा है वो सेंडिंग एंड करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक रिसीविंग एंड करंट पे जा रहा है और एक आई शंट पे जा रहा है। तो सेंडिंग एंड करंट क्या होगा, आई सेंड नहीं, आई रिसीविंग प्लस आई शंट। सही है ना। तो आई रिसीविंग और आएगी शंट को अगर हम अलग अलग लिखें तो हमारे पास क्या बन जाता है कि हमारे पास जो बन गया कि भाई वी रिसीविंग इनटू वाई, जो हमारे पास ये बन रहा था आई शंट वाली बात बन रही थी। ठीक है। ये बन गया और इसके अलावा हमारे पास जो बन गया वो हमारे पास क्या बन गया, ये वाला आई आर इंटू जेड वाई बाई टू, ये हमारे पास बन गया। ठीक है। और दूसरा करंट हमारे पास क्या बन गया है कि भाई आई रिसीविंग डायरेक्टली आ गया। तो आई रिसीविंग अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि आई रिसीविंग यहाँ पे आई रिसीविंग मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस जेड वाई बाई टू। सही है ना। तो ये हमारे पास आई रिसीविंग का वन आ गया, जेड वाई बाई टू जो इधर से आ रहा है वो एज इट इज़ आ गया, तो ये सेंडिंग एंड करंट हमारे पास आ गया। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले हमने निकाला मिड मिड पॉइंट वोल्टेज, फिर उसके बाद आई शंट निकाला, आई शंट के बाद आई आर प्लस आई शंट कर दिया, तो जो आई शंट हमारे पास ऑलरेडी था वो एज इट इज़ लिखा, और उसके साथ आई आर को मल्टीप्लाई ऐड करा के आई आर को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आई सीरीज बन गया। क्लियर हो रही बात। तो ये हमारे पास आई एस कैलकुलेट हो गया। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमें एक चीज़ चाहिए थी आई एस। आई एस से हमें क्या निकला था, आई एस से हमारे पास सी निकला था और डी निकला था, जबकि वी एस से हमारे पास क्या निकलेगा, ए और बी। सही है। तो यहाँ से हमारे पास सी सी और डी निकल आएगा। सही है।
अब वी एस निकालते हैं, तो वी एस हमारे पास क्या है, वी एस अगर आप देखो तो वी एस क्या है कि भाई जो पॉइंट इस वोल्टेज पे आ रहे हैं, जितने वोल्टेज ये आ रहे हैं वही वोल्टेज आगे जा रहे हैं, तो ये क्या आ गया, ये वी मिड आ गया, और बाकी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो अगर मैं इन दोनों वोल्टेजेस को सम कर दूँ तो वो वी एस बन जाता है। तो वी एस क्या बना, वी मिड प्लस, वी एस क्या बन गया, वी मिड प्लस आई एस इंटू जेड बाई टू। जेड बाई टू अब कौन सा वाला जेड बाई टू है, वो इस हिस्से का जेड बाई टू है, सही है, इस हिस्से का जेड बाई टू है, यानी कि आई ओवर आर ओवर टू और एक्सएल बाई टू जो जेड बाई टू बन रहा है। और वी मिड को अगर हम वी मिड की वैल्यू को देखें तो वो गया है वी आर ओवर अंडर रूट थ्री और आई आर इंटू जेड बाई टू, तो वी मिड आ गया, तो वी आर ओवर अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री आई आर इंटू जेड बाई टू, ये हमारे पास बन गया, क्या नाम है, मिड मिड वोल्टेज बन गया। इसी तरह यहाँ पे आई एस जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये आई एस हमारे पास आया था, तो ये यहाँ पे अगर मैं आई एस की वैल्यू को पुट कर दूँ, आई एस की वैल्यू को पुट कर दूँ और उसके साथ हमारे पास जेड बाई टू आ जाए, सही है, तो ये हमारे पास में मैकेनिज्म बन जाएगा कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वी आर डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री वन प्लस जेड वाई बाई टू, ठीक है, ये हमारे पास बन गया, क्योंकि वी आर जिधर जिधर आ रहा है उस वी आर को हमने कॉमन ले लिया, ये एक वी आर यहाँ पे आ रहा है, एक वी आर यहाँ पे आ रहा है, इन दो वी आर को कॉमन ले लिया है, ये जेड बाई टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वी आर डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री वन प्लस जेड वाई बाई टू बन गया। इसी तरह ये आई आर का फैक्टर है हमारे पास, सही है ना, और ये आई आर का फैक्टर है, तो इसके साथ जेड है, इसके साथ भी जेड है, और ये जेड बाई टू मिल गया, ये जेड बाई फोर बन जाएगा, तो ये आई आर इंटू जेड कर दिया वन प्लस जेड बाई बाई फोर बन गया, सही है ना, तो ये हमारे पास वी एस की एक इक्वेशन बन गई, और ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, आई हमारे पास आई एस की इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास आई एस की इक्वेशन बन गई, और ये हमारे पास वी एस की इक्वेशन बन गई, सही है ना, तो ये दोनों इक्वेशंस की बेस पे हमने जो है निकाल लिया, क्या नाम है, हमारे पास दोनों इक्वेशंस की बेस पे हमारे पास ए निकला है, ए देखो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमारे पास बी आ गया, इसी तरह ये हिस्सा जो है हमारे पास सी आ गया, और ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास डी आ गया, ठीक है ना, तो ये हमारे पास ए आ गया, ए हमारे पास वन प्लस जेड वाई बाई टू, ये हमारे पास बी आ गया जेड इंटू वन प्लस जेड वाई बाई फोर, ये हमारे पास सी आ गया, सी हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास कॉमन क्या था वाई, तो सी वाई आ गया, और डी हमारे पास क्या था वन प्लस जेड वाई बाई टू, तो वन प्लस जेड वाई बाई टू हमारे पास डी आ गया, ये हमारे पास डी आ गया, ठीक है, और ये हमने कहा कि भाई ये देखो यहाँ से एक चीज़ हमें ऑब्जर्व की जाती है कि जो ए है वो डी के इक्वल हो गए, इसी तरह अगर मैं ए को डी से मल्टीप्लाई करूं और बी को सी से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, एक जैसे बनते हैं, मतलब कि ए डी माइनस बी सी करें तो आंसर वन आता है, तो ये जस्टिफिकेशन हम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें या चेक करना चाहें कि मेरा ए बी सी डी सही कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ से हम इस बेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। दूसरा मॉडल हमारे पास बनता है कि हम कहें कि भाई टी मॉडल की बजाय हम पाई मॉडल को देखें, तो टी मॉडल की बजाय पाई मॉडल को देखें, तो पाई मॉडल हमारे पास क्या बनता है कि वी एस वैसे का वैसा ही है, जबकि यहाँ पे दो इम्पीडेंस आ जाएंगी, एक हमारे पास वाई बाई टू यहाँ पे आ जाएगी और एक वाई बाई टू यहाँ पे आ जाएगी, इस करंट को कह रहे हैं शंट एस और इसको कह रहे हैं शंट आर, सेंडिंग एंड शंट इम्पीडेंस और रिसीविंग एंड शंट इम्पीडेंस, इसी तरह यहाँ पे आर आ गई और एक्सएल आ गई, ये दो वैल्यूज हमारे पास इसी तरह ही आ गई, ठीक है, तो अब हम देखें तो हमारे पास आई एस एच आर यानी कि शंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास इस पॉइंट पे आ रही है वो क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप है यानी कि रिसीविंग एंड वोल्टेज है, इसको वाई बाई टू से मल्टीप्लाई करते तो ये करंट आ जाता है, सही है ना, इसी तरह अगर मैं शंट एस को देखूँ तो यहाँ पे क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय वाई बाई टू करूँ तो यहाँ पे हमारे पास शंट एस आ जाती है, तो ये दो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ जाती है, सही है,
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनती है, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास VS यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है इनटू रिसीविंग एंड करंट, रिसीविंग एंड करंट प्लस ISR इनटू Z, सही है, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज बन। आप अगर देखो जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना इस Y/2 को। अब हमारे पास क्या बनेगा कि अगर मैं सेंडिंग वोल्टेज देखूँ तो सेंडिंग वोल्टेज क्या बन रहा है, सेंडिंग वोल्टेज क्या बन रहा है कि ये रिसीविंग वोल्टेज यानी कि यहाँ पे ये जो आ रहा है वोल्टेज, ये रिसीविंग वोल्टेज सही है, प्लस प्लस ये जो हमारे पास करंट आ रहा है यानी कि इस एरिया में जो करंट आ रहा है, ये करंट कौन सा करंट है, ये वाला करंट IR सही है, और दूसरा करंट गया ISHR, इन दोनों को सम करते हैं तो ये वाला करंट इधर पास कर, सही है। तो ये हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई अंडर रूट 3 Z इनटू IR प्लस ISHR, तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसकी बेस पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है कि भाई हमारे पास रिसीविंग एंड वैसे का वैसे ही है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ये वाला वोल्टेज, ये वाला ISHR, तो ISHR हमारे पास क्या बन रहा है, रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू Y/2, ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू Y/2 इधर कर दे, इसकी वैल्यू को पुट करें तो VR/√3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ZY/2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ मल्टीप्लिकेशन आ गई और ये IR के साथ आ गई। अब देखो ये हमारे पास VS बन गया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा क्या बन गया है, A बन गया, और ये वाला हिस्सा क्या बन गया है, B बन गया, सही है ना। तो A का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1 + ZY/2, और B का कोफिशिएंट क्या बन गया, Z, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो करंट है वो क्या आ रहा है, करंट आप देखो तो ये सेंडिकेट करंट है, ये सेंडिकेट करंट एक तो यहाँ पे जा रहा है, एक करंट यहाँ पे जा रहा है, यानी कि एक करंट ये है, एक करंट ये है, और एक करंट ये है, तो ये तीन करंट्स को अगर मैं सम कर दूँ, IR + SHR + SHS, तो हमारे पास IS आ जाए, सही है ना। तो ये IR हमारे पास एज इट इज ही रहा, ISHR जो हमने इधर पीछे कैलकुलेट किया था तो SHR आ गया, और SHS जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ गए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास है कि हमें तो इक्वेशन चाहिए, IS इक्वेशन चाहिए इन टर्म ऑफ VR और IR, ये VS की फॉर्मेशन में हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, VS की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। तो VS की वैल्यू क्या है, VR/√3 और IRZ, तो ये हमारे पास इधर अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे VR का कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट VR का, ये वाला कंपोनेंट VR का, इसको तो नहीं हम छेड़ेंगे, ये VS का कंपोनेंट है, तो VS का कंपोनेंट की जगह पे हम इसकी इक्वेशन डालेंगे, तो VR/√3 1 + ZY/2 और IRZ इंटू Y/2, तो इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो वो Y/4 बन जाएगा, Y कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया, और IRZY/2, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखो तो ये IS के साथ पैरामीटर बन गए, तो ये C बन गया, और ये पैरामीटर क्या बन गया है, D पैरामीटर बन गया, तो हमारे पास चारों पैरामीटर आ गए, ये A पैरामीटर आ गया, ये B पैरामीटर आ गया, ये हमारे पास C पैरामीटर आ गया, और ये हमारे पास D आ गया, तो ये A, B, C और D। और एक और चीज़ देखो तो AD के इक्वल है, यहाँ से हमें वेरीफाई होता है 1 + ZY/2, और यहाँ पे भी 1 + ZY/2, और AD को BC से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर 1 आता है, अगर मैं इसे जस्टिफाई करना चाहूँ तो ये भी होता है, तो यहाँ से आप पैरामीटर्स को देख सकते हैं, सही है ना। एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ABCD पैरामीटर अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारे पास टी मॉडल कहते हैं, टी मॉडल में ये ए आता है, ये बी आता है, ये सी आता है, और ये डी आता है। आप अगर देखो तो जो टी मॉडल है और जो हमारे पास
पाई मॉडल है, इन दोनों में फ़र्क देखो तो बेसिक फ़र्क क्या बन रहा है। टी मॉडल में ए जो है वो दोनों का सेम है, जबकि बी जो है वो Z1+ZY/4B बन रहा है, जबकि इधर बी खाली जेड बन रहा है, सही है ना। और डी जो है वो हमारे पास 1+ ZY/2, 1+ ZY, ये हमारे पास थोड़े से पैरामीटर ऊपर नीचे होते हैं, सही है। इसमें आप अगर थोड़ा सा पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन पाई और टी मॉडल में थोड़ी सी बदलती है, ठीक है। अब अगर मैं पाई मॉडल को देखूँ तो ए बी सी डी हमारे पास ये बन गए, ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी डी बन गए। और उन ए बी सी डी को हम देखें तो VS IS = ये ए बी सी डी इंटू VAR IR, और इसको दूसरी साइड पे देखें तो ये इनवर्स की फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। और अब हम अगर पावर लॉस को देखें तो पावर लॉस क्या है, I²R और QL यानी कि रिएक्टिव पावर की वजह से जो है वो है I²XL, और ये है XL की वजह से, ठीक है, ये है C की वजह से। तो C की वजह से क्या हुआ, V²B, यानी कि पहले हम देख रहे थे तो सिर्फ हम देख रहे थे XL की वजह से शॉर्ट के लिए, जबकि अब हम देख रहे हैं तो XL के बजाय हम XC के अकॉर्डिंगली भी देख रहे हैं, तो XC के अकॉर्डिंगली हमारे पास V²B आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास दोनों हैं। इसी तरह वोल्टेज रेगुलेशन देखें तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है कि ये VS है सप्लाई वोल्टेज का, और इसी तरह रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई रिसीविंग है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में ए आ रहा है, ए इसके साथ डिवाइड हो रहा है, अगर हमने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो ए क्या है, ये लाइन कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है, ए उसके साथ डिवाइड होकर हमारे पास आ रहा है, सही है ना। और ए यानी कि मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली जब हम उधर देखेंगे तो ये ए वही पैरामीटर है जो हम ए बी सी डी में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्या अ 3-phase 138 kV ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड टू अ 49 MW लोड एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.85, द लाइन कॉन्स्टेंट ऑफ 52 माइल लॉन्ग लाइन R Z = 95 ∠78 ओम एंड Y = 0.001 ∠90 डिग्री यूजिंग नॉमिनल टी मॉडल टी सर्किट रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद कैलकुलेट द फॉलोइंग ए बी सी डी, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर और एफिशिएंसी। तो आपके पास क्या है कि अगर आप रिसीविंग एंड वोल्टेज को देखें तो वो √3 के अकॉर्डिंगली आपने जब किया तो ये हमारे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज आ गई, सही है ना। तो ये रिसीविंग एंड वोल्टेज को जो आपने लिखा इसको एंगल के साथ 0 डिग्री का एंगल लिख दिया, ठीक है। रिसीविंग एंड करंट को देखें तो रिसीविंग एंड करंट क्या होगा, ये हमारे पास क्या नाम है, पावर आ गई, पावर हमारे पास क्या आनी है 49 MW, तो पावर आपके पास आ गई 49 MW डिवाइडेड बाय √3 × वोल्टेज आ गया, जो वोल्टेज आपके पास है 138 kV, और इसके साथ क्या आ गया हमारे पास पावर फैक्टर आ गया, तो रिसीविंग एंड करंट आ गया हमारे पास, ठीक है, सही है। और ये रिसीविंग एंड करंट जो हमारे पास आया, सही है, इसके अंदर हमने 0.85 की वजह से इसके जो एंगल लिखा वो हमने लिख दिया, हमारे पास 31.8 आ गया, इसको अगर मैंने रिवर्स में लिखा माइनस की फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा ए निकाले तो ए हमारे पास क्या है, ए क्या है 1/1/2 ZY, ये ए बनता है, तो ए जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, सही है, जेड की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, तो हमने ए निकाल ली, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ए निकला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंगल्स के अकॉर्डिंगली, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करके एंगल निकाल लिया, तो ये हमारे पास ए बन गया। बी निकाला तो बी क्या निकला, जेड और 1/4 ZY का स्क्वायर, ये हमारे पास बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एट द एंड, ये हमारी कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास बी आ गया, सही है ना। सी वैसे ही वाई है, ठीक है, और डी जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है, जो हमने ए निकाला वो ही डी है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास वो ए बी सी डी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो आ गई, ठीक है।
अब हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज को निकाला, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को खोल लिया, जिस मैथमेटिकल इक्वेशन को खोल लिया, तो जहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि ये वही वैल्यू पहला एलिमेंट ए जो है वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो गया, और इसी तरह सी जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, करंट से मल्टीप्लाई हो गया, और सॉरी बी जो है करंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्मेशन भी है, तो हमारे पास सेंडिकेट वोल्टेज आ गया, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरह सेंडिकेट करंट निकाला, तो सेंडिकेट करंट क्या है, यहाँ पे सी को वी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और डी को आई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सेंडिकेट करंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए। पावर फैक्टर निकाले, तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या निकलेगा, सेंडिकेट पावर फैक्टर हमारे पास क्या निकलेगा, कि भाई यहाँ पे हमने 11.3 जो कैलकुलेट किया है ये आपके पास आ गया, सही है, ये आपके पास आ गया है 11.3, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास पावर एंगल आ जाता है वो 10.4 आ जाता है, यानी कि हमने एक रिसीविंग एंड का करंट देखना होता है, मतलब ये उसका एंगल देखना होता है, और एक सेंडिंग एंड का देखना होता है, और उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आता है, तो ये हमारे पास उसका जो एंगल दोनों के आगे उन एंगल्स का जब डिफरेंस हमने निकाला, तो उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एंगल बना वो हमारे पास एंगल बन गया, ये एक 10.4 ये हमारे पास एंगल बना है, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज का 10.4 बन गया, और ये हमारे पास एक करंट का एंगल बना है 11.3, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो ये हमारे पास 21.7 आ गया, और कॉस थीटा आ गया, तो सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह आउटपुट पावर और इनपुट पावर किया है, तो आउटपुट पावर और इसका मतलब रिसीविंग एंड पावर डिवाइडेड बाई सेंडिंग एंड पावर इंटू 100 किया, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी है, ठीक है। ये अगली एग्जांपल आ गई कि भाई अगर मेरे पास ये जो मॉडल है ये हमारे पास टी की बजाय, ये हमारे पास टी की बजाय पाई मॉडल बन जाए, तो अब यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया गया हुआ था नॉमिनल टी मॉडल था, टी की बजाय अब हमारे पास हम कहते हैं कि नहीं भाई इसको नॉमिनल पाई मॉडल के साथ करें, तो पाई मॉडल के साथ हम देखें, तो पाई मॉडल में क्या है, ए की वैल्यू को अकॉर्डिंगली हमने मैयर कर लिया, ए क्या हुआ 1/2 YZ कर लिया, सही है ना, बी जेड है, सी वाई ओवर 1/4 Y² Z है, और डी जो है 1+1/2 YZ है, तो जो ए है वही डी है, बी और सी अलग अलग हैं, इनको कैलकुलेट करके ए बी सी डी आ गया, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन गई VSIS ए बी सी डी आ गया, और दूसरा हमारे पास VR और IR आ गया, ठीक है। VR IR जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो हमारे पास एज इट इज आ गया, उसके बाद इसी फॉर्मूले के तहत हमने VS की वैल्यू को निकाला, तो ये VS की वैल्यू हमारे पास निकल आती है, फिर हमने IS की वैल्यू को निकाला, तो ये हमारे पास IS की वैल्यू निकल आती है, ये यानी कि ए के साथ हम VR को मल्टीप्लाई करें प्लस बी इंटू IR करें, तो हमारे पास VS की वैल्यू निकल आती है, इसी तरह सी इंटू VR करें और डी इंटू IR करें, तो हमारे पास IS की वैल्यू निकल आती है, ये दो वैल्यूज हमने निकाले। फिर इसी तरह वो हमारे पास एंगल निकला कि भाई हमारे पास 10.7 और 11.37, उन दोनों के अकॉर्डिंगली हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास एंगल निकला है वो एज इट इज़ वही निकला, और एफिशिएंसी निकाली, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी निकली 94.16, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे 94 है, इसी तरह जो एंगल निकला था 0.929 था, और यहाँ पे जो एंगल निकला वो 0.927 निकला है, इसी तरह जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज करंट निकला यहाँ पे जो 200.46 एंगल -11.37 है, और जबकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 200.88 एंगल -11 बने, यानी करीब करीब है। और आखिरी हम देखें तो ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज आ रहा है 1,61,864 एंगल 40.7, तो यहाँ पे देखो तो 1,60,995 एंगल 40.1, तो 40.4, तो तकरीबन तो करीब करीब आ रहा है, वो 61,000 है, वो 160 है, तो करीब करीब आ रहे हैं सारे, तो यहाँ पे हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू जी।